गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब द्वारा परिचर्चा एवं साक्षात्कार कार्यक्रम का आयोजन विजय चौक स्थित एक होटल में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सिने अभिनेता व सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार संजय मिश्र ने कहा कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का निर्माण सरकार द्वारा बहुत ही सकारात्मक पहल है। फिल्म सिटी के साथ साथ सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि फिल्मों का निर्माण तो हो जाएगा, लेकिन उसे पर्दे तक ले जाने की क्या व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि फिल्म अगर सिनेमा घरों तक नहीं पहुंचेगी तो उसकी सार्थकता नहीं रह जाएगी। उन्होंने कहा कि सिनेमा समाज का आईना होता है और आईना झूठ नहीं दिखाता है, वह जो समाज में हो रहा है उसे व्यक्त करता है। साक्षात्कार एवं परिचर्चा कार्यक्रम के दौरान पहुंचे बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध एवं वरिष्ठ अभिनेता संजय मिश्रा ने गोरखपुर प्रेस क्लब के पत्रकारों द्वारा स्वागत के बाद कहा कि बचपन में गोरखनाथ मंदिर आया था और अभी बड़े होने पर फिर से आया हूँ, उनके आशीर्वाद की मुझे जरूरत थी। उन्होंने बताया कि मैं पटना नगर निगम के स्वच्छता कार्यक्रम में भी जुड़ा हूँ, यह कोई अभियान नहीं है, हम सब की जिम्मेदारी है, हमें स्वच्छ साफ सुथरा रखना चाहिए। इस मौके पर गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब की कार्यकारिणी ने स्मृति चिन्ह देकर अभिनेता संजय मिश्रा का स्वागत व सम्मान किया। कार्यक्रम में प्रेस क्लब अध्यक्ष मार्कंडे मणि त्रिपाठी, उपाध्यक्ष अतुल मुरारी तिवारी, महामंत्री मनोज यादव, संयुक्त मंत्री आशीष भट्ट, कार्यकारिणी सदस्य दीपक त्रिपाठी, अंगद प्रजापति, संजय कुमार के साथ साथ अन्य मीडियाकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हास्य अभिनेता संजय मिश्रा ने कहा, उपाध्यक्ष भाई अतुल जी यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं, अतिथि का स्वागत जोरदार करने गोरखनाथ मंदिर पुरानी जगह है, बचपन में गया था, वक्त मिलने पर इस बार आया हूँ, वहाँ के आशीर्वाद की ज़रूरत है मुझे। और फिल्म सिटी जो बन रहा है वो एक बेहतरीन काम है, हर जगह की सरकार, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, उत्तराखंड की हो, मध्य प्रदेश की हो, वो देख रही है कि फिल्मों का एक सशक्त माध्यम है और उसको प्रमोट कर रही है, तो एक अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ हम फिल्म बना लें ये अलग कहानी है, और जो दूसरी कहानी है फिल्म बनाने के बाद रिलीज़ करने की, तो मैं ये निवेदन करूंगा कि ऐसी कोई संस्था हो सरकार की तरफ से जो छोटे प्रोड्यूसर्स फिल्म बनाते हैं उनको थिएटर तक पहुंचाने का कौन जिम्मेदार होगा, क्योंकि वो बेचारे नहीं पहुंचा पाते हैं, बहुत सी अच्छी फिल्में चुप हो जाती हैं क्योंकि उनको थिएटर नहीं मिल रहा है और ये सारी चीज़ें। तो फिल्म बनाना एक अलग कला है और उसको बेचना एक अलग कला है। सर, कॉमेडी में रहे हैं और पहले की कॉमेडी की दुनिया में रहे हैं और पहले और आज की फिल्मों में कॉमेडी में कितना अंतर आता है? मैं शुरुआत मेरी कॉमेडी से हुई थी और उसके बाद मेरी आंखों देखी वगैरह सब आने लगी फिल्में, तो वो कॉमेडी वाला जो तगमा था वो हट गया है मुझसे। लेकिन पहले की कॉमेडी अब की कॉमेडी में उतने ही अंतर है जितना पहले की कहानियों में और अब की कहानियों में, मतलब आजकल कहानियाँ बड़ी कंटेम्प्रेरी हो गई हैं तो डिफरेंट हो गया है थोड़ा, अदरवाइज वैसे ही है। एक स्वच्छता अभियान चला रहे हैं बिहार में आप? अभियान नहीं चला रहा हूँ, मैं पटना नगर निगम के साथ हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ स्वच्छता कोई अभियान नहीं है, स्वच्छता आदत है, अभियान होता है अंग्रेजों भारत छोड़ो, है ना। स्वच्छता एक आदत होनी चाहिए जो सब में होती है और जानवरों में भी होती है कि जहाँ बैठता है साफ सुथरा करके बैठता है, तो अभियान न समझा जाए इसको, ये एक आदत है। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, पटना में जन्मा हूँ, पटना नगर निगम के लिए ये काम मुझे मिला है, मैं इस तरह के सोशल इशू वाली फिल्में करता हूँ। कड़वी हवा एक फिल्म की थी मैंने
जिसमें बताया गया था कि क्लाइमेट चेंज क्या चीज़ होती है और उसका असर हम लोगों पर कैसे होगा, तो वो फिल्म की थी। इस बार सिनेमा नहीं है, इस बार मैं शहर में ही घर घर तक जाके लोगों को बता रहा हूँ कि कृपया अपने शहर को स्वच्छ रखें। यूथ को मौका मिलना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, ऐसा बदलाव होना चाहिए कि कोई ऐसी सरकार आनी चाहिए जो बिहार में काम करे। बिहार में काम करेगी तो बिहार के लोग जो बाहर जाके काम करते हैं उनको अपने प्रदेश में काम करने का मौका मिलेगा, तो ये एक बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये 2020 का चुनाव ये मामूली बात नहीं है, 2020 पहले तो चुनाव होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इस तरह के आपदा में, महामारी में, जिसको पूरी दुनिया झेल रही है, सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर इलाका नहीं है जो झेल रहा है, पूरी दुनिया झेल रही है इस बीमारी को। और सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, चुनाव कोई छोटा मोटा पर्व नहीं है जो कि आप अपने घर में कर सकते हैं। चुनाव के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, रैली निकालनी पड़ेगी, लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, और इस बीच कोरोना है। लेकिन अब जो भी सोच समझ के सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि नहीं हमें चुनाव करना है, ठीक है, लेकिन जनता को अब बहुत हो गया जात पात, बहुत हो गया ऊपर नीचे देख के चुनाव में, इलेक्शन में वोट देना। अब सिर्फ अपने लिए वोट देना होगा और ऐसी सरकार को बुलाना होगा कि जो बिहार में कुछ काम कर सके, ना कि इसकी बात उसकी बात इसकी बात। आगे बढ़ना है तो अच्छा इलेक्शन होना चाहिए। सर, कोरोना काल रहा है और आप एक्टर रहे हैं, पूरे देश में क्या विश्व में इसका प्रभाव पड़ा है, तो गोरखपुर आ पाए हैं, तो क्या कहेंगे आज जनता से कोरोना बचाव? देखिए, खुद से खुद को बचना है। मोदी जी ने कह दिया है आत्मनिर्भर, आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। सामने वाला कोरोना पेशेंट है ये मानना पड़ेगा और उसको भी मानना पड़ेगा कि ये भी कोरोना पॉजिटिव है, तो एक दूरी डिस्टेंस जितना ज़्यादा रखेंगे उतना बेहतर है। तो